हाँ जी साथियों, तो आप देख रहे हैं हम तेली मंदिर में पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये तेली मंदिर है, ये सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे मतलब ऊंचाई पे सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ का ये है। इसकी जो है निर्माता जो है वो है प्रतिहार साम्राज्य के मिहिर भोज, उनके काल में ये बना था। और ये जो मंदिर है तेल के व्यापारियों से संबंधित है, क्योंकि जो तेल का व्यापार जो करते थे उनकी राशि से इस मंदिर को बनाया गया था। तो जो भी तेल के व्यापारी है उनको ये समर्पित ये मंदिर है मिहिर भोज के शासनकाल में। और इससे जुड़ी एक कहावत भी आपने सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो इसी से संबंधित है। तेली मंदिर इसको बोलते हैं। इसकी ऊंचाई जो है वो पूरी 100 फुट है, 30 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। और इस पे आप देखोगे 113 मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी जो मूर्तियाँ आपको दिखेंगी 113 प्रकार की, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं। और ये आप दर्शन करेंगे तेली मंदिर। तो दोस्तों आप देखिए, आपने देखा ये तेली मंदिर। ये तेली मंदिर की विशेषता ये है कि ये उत्तर भारत में जो है पहला जो है द्रविड़ शैली से निर्मित प्राचीन मंदिर है। आपको बहुत कम मंदिर ऐसे मिलेंगे जो द्रविड़ शैली में, साउथ इंडियन जो आर्किटेक्ट होता है उसकी शैली में जब ये मंदिर मिले, तो ये ऐसा पहला ही मंदिर है आप देखेंगे इसको, तेली मंदिर को। हाँ जी साथियों, तो आप देख रहे होंगे हम कहाँ आ चुके हैं। हम आ चुके हैं सास बहू टेंपल में। सास बहू टेंपल आप जो से सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, ये वो वाली सास बहू नहीं है, ये है सहस्त्र बाहु टेंपल। सहस्त्र बाहु टेंपल का मतलब होता है हजारों भुजाओं वाले। हजारों भुजाओं वाले कौन है? हमारे विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान जी को ये टेंपल जो है समर्पित है। तो आप देखेंगे कि ये जो टेंपल का निर्माण हुआ था, इस मंदिर का जो निर्माण कार्य था वो राजा रतनपाल जी ने शुरू किया था और 1093 ईस्वी में राजा महीपाल जी ने इसका कार्य को पूरा किया था। तो ये जो है 1093 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ था। और देखिए करीबन 1000 साल पुराना ये मंदिर है और ये मंदिर भी द्रविड़ शैली में निर्मित है, साउथ इंडियन आर्किटेक्ट में ये निर्मित है। इसके ऊपर आप देखेंगे, ध्यान से देखना, नर्तकी के कुछ चित्रकला हैं, कुछ फूल पौधे पक्षी इनकी चित्रकला इसके ऊपर अंकित है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और ये यहाँ पर दो टेंपल आपको दिखेंगे, एक छोटा है एक बड़ा टेंपल है। सहस्त्र बाहु वाला जो टेंपल है बाद में इसको सास बहु टेंपल कहा जाने लगा। तो ये आप इसके देखेंगे, इसको सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन कलाकारी इस पर की गई है। तो आप एक बार देखिए इसको।
हाँ जी साथियों, तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर सास बहू टेंपल में हैं और यहाँ से आप देखेंगे कितना बेहतरीन नज़ारा आपको दिखेगा। यहाँ से पूरा ग्वालियर शहर का पूरा नज़ारा जो है आपको दिखेगा। यहाँ देखिए पीछे आप,